हेलो फ्रेंड, नमस्ते। ठीक हो फ्रेंड? जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि अब हम पहले की तरह रहेंगे। मनजीत यहाँ पे सब कुछ बना रहा है और वो लोग ना वीडियो में भी देख रहे हैं कि क्या हाल है हमारे घर का, लेकिन फिर भी देख लो उनका ईगो आड़े आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। मेरा नंबर जो है, मेरा भी नंबर, मनजीत का भी नंबर, अनिल भाई का भी नंबर, सबके नंबर उन लोगों ने बोले वो कर दिए। ठीक है, मामा ने भी कर दिए, मामा की बेटी ने भी कर दिए, मामा के छोरे ने भी कर दिए, जितने भी घर में फोन है सब ने कर दिए। पता है क्यों किया है? जो सब कुछ चीज़ें हो रही हैं मुझे पता है बहुत गलत हो रही है। मेरा परिवार ऐसे तो टूटता ही जा रहा है, मुझे पता है जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंसान को गलती माननी चाहिए। चलो ना भी माने, मैं खुद पूजा को बोल रही थी कि मैं लेने के लिए आती हूँ और तू बोल आएगी क्या, मम्मी को समझा दिया, लेकिन पूजा भी कुछ सीधे मुंह बात नहीं कर रही है उधर से। अभी अनिल भाई डॉक्टर को लेने के लिए गया है, शायद आने वाला ही है डॉक्टर भी। मुझे बुखार है और शक्ल तो आप देख ही सकते हो, मैं ऐसी नहीं थी कभी भी। जैसी मेरी अब हालत हो रही है ना, ऐसी मैं कभी भी नहीं थी। जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा है लोगों को ये मजाक लग रहा है। पता है आज मनजीत बता रहा था कि ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि वो उधर से वीडियो बना रही है, ये इधर से वीडियो बना रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जी। देखो, उन लोगों ने हमारे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, बस इसीलिए ये वीडियो के ज़रिए मैं बता रही हूँ कि क्या चल रहा है घर में। ठीक है, मेरे को घर में भी ऐसा बहुत घुटन सी हो रही है। रात को 3-4 बजे जाके नींद आई थी, नींद नहीं आती रात को। अब मैं फ़ोन करूँगी दोबारा से, देखते हैं क्या बोलती है पूजा। अगर वो बोली कि हाँ मुझे लेने आ जाओ तो हम जाएंगे, पहले मैं फ़ोन करके पूछूँगी कि वहाँ का माहौल कैसा है। अब मामा जी जो है ना मेरे सिर पर चढ़े हुए हैं और उनका पूरा टब्बर जितना भी है ना, पूरा परिवार, वो मुझे कसूरवार मान रहे हैं। समझा नहीं रहे मेरी मम्मी को, मुझे कसूरवार मान रहे हैं। अभी मेरे को समझ में नहीं आता फ्रेंड, आप एक बात बताना, मैंने गलती कहाँ पे की है आप ये बताना एक बार। पूजा ये बोल रही थी वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, मेरे मेरे मैं आपको आज बात बता देती हूँ कि क्या बात थी। ठीक है, आप उस बात में ये बताना कि मेरी गलती कहाँ पे है। आज मैं आपको सही तरीके से बताती हूँ सारी बात जितनी भी हुई थी हमारे घर में रक्षाबंधन के दिन। फ्रेंड, मेरे जो ताऊ हैं, चाचा जी, आपको पता ही है हमारी उनके साथ बनती नहीं। जब मेरे पापा जी गुजरे थे तो उन्होंने हमें बेदखल कर दिया था, ज़मीन नहीं दी थी, घर से भी बेदखल कर दिया था, तो हम आपको पता है सड़क पे आ गए थे। उसके बाद ही मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ी थी और मेहनत मजदूरी करना शुरू किया था। अब वही ताऊ और चाचा जी का बेटा जो है वो साथ में मिलकर, उनका कुछ और भी रिश्तेदार भी आया हुआ था, उनकी वाइफ थी, बहन थी, सब लोग मिलके रक्षाबंधन के दिन ना राखी बंधवाने के लिए आ गए मेरे घर। मैंने सिर्फ मम्मी को ये बोला था, मम्मी घर पे आए हैं ये, और भी बहुत सारे फैंस और भाई बंधु जितने भी हैं मेरे पास आए हुए थे राखी बंधवाने के लिए। मैंने मम्मी को सिर्फ ये कहा था, मम्मी बेइज्जती ना करें इनकी, चलो कोई बात नहीं, अपने को ये अपने साथ जो भी किया इन लोगों ने, हम इनके घर नहीं जा रहे, लेकिन ये लोग तो आए हैं ना खुद से अपने घर, तो मम्मी कोई बात नहीं, आज के दिन ऐसा ना करो, झगड़ा ना करो, सिर्फ इतनी बात कही थी। और मम्मी यहाँ घर छोड़ के चली गई इसी बात पे। मम्मी को ये लगा कि मैं मम्मी की बात काट रही हूँ, मैं खुद की चला रही हूँ घर में। पूजा भी मम्मी को भड़का रही है, दुगना दुगना भड़का के लेके गई, सिर्फ इतनी बात कही थी। मम्मी को ये लगा कि इसने खुद ने बनाया ना घर, तो इसीलिए बस खुद की चला रही है, सिर्फ इतनी बात थी फ्रेंड इस बात में। अब आप ये बताओ कि मैंने कहाँ पे गलती की, इतनी सी बात के लिए मेरी मम्मी चली गई। मेरी मम्मी को ये है कि अब ये ताऊ की और चाचा के संग लग गई, तो ऐसा नहीं है जी। देखो, मुझे मेरा परिवार बहुत ज़्यादा प्यारा है, मेरे परिवार को तोड़ने से, टूटने से मैं इतना बचाने की कोशिश कर रही हूँ। सब लोग ना मुझे गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए पूजा के पास फ़ोन कर रही हूँ। और वो पूजा है कि गलत रास्ते पर चढ़ा रही है मम्मी को, जानबूझ के सिखा रही है। पहले तो मैं फ़ोन करके देखूँगी पूजा क्या कहेगी। मेरी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मनजीत बोल रहा था कि सिर का तो टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना। हाँ, डॉक्टर आ गया। ठीक है भाई, उन्हें कह दिया उड़ बैठ जा 2 मिनट।
मुझे इतना ज्यादा बुखार है, शक्ल देखो कैसी हो गई है। मैं ऐसी नहीं थी और ना ही मेरा परिवार ऐसा था। कभी भी मेरे परिवार में और मेरे अंदर ना झगड़ा नहीं हुआ। पूजा के साथ हो जाता था, बहुत बार हुआ है। और मैं ये नहीं कह रही कि आगे नहीं होगा, जींदे वक्त बसते रहे ना तो ऐसे ही झगड़ा तो होता रहता है। ये भाभी आई हुई हैं। बीपी चेक करेगा, ले आ चाह भी बना दे भाभी। मुंजीत चाह बना दी, थोड़ी सी चाह बना दे। फ्रेंड घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं बार बार पूछने के लिए, जिसको पता चलता है कि इनके घर में लड़ाई हुई है। कुछ लोग तो मजे लेने आ रहे हैं जैसे किसी के घर में होती ही नहीं है। मुझे लग रहा है जहाँ तक मुझे पता है सबके घर में होती है, तो ऐसा ना तो मेरा मजाक बनाओ, ठीक है आपके घर में भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी सिर्फ अपने भाई के घर गई है झगड़ा करके। हाँ ऐसे नहीं जाना चाहिए था मेरी मम्मी को, लेकिन बस मजाक ना बनाओ। अभी बहुत से लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं कि आपकी मम्मी ऐसे ऐसे झगड़ा करके चली गई, भड़काने के लिए भी आ रहे हैं। मेरा बस हाथ जोड़ के ना आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब ना मेरे परिवार को जोड़ने की कोशिश करो, ना कि तोड़ने की, ठीक है। और मैं अपनी बहन से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। वो बोल रही थी ना कि मेरे से माफ़ी मांग, तो देख सारी सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग रही हूँ, सारी दुनिया देख रही है, ठीक है। मैं मेरे से गलती होगी बहन, मेरे को ये समझ जाना चाहिए था कि जब तू अब बड़ी होगी मैंने पता है, बस मेरे ती माफ़ कर दे बहन, सॉरी हूँ मैं, ठीक है मैंने माफ़ कर दे। मैंने नहीं पता था कि तू अब बड़ी होगी, मैं तो यही सोचू थी कि तू छोटी ही है छोटी ही है। आगे तो मैं बहुत सोच समझ के बोलूँगी तेरे साथ, ठीक है। और अगर तने मेरे साथ वीडियो नहीं बनानी तो ना बना, सिर्फ वीडियो वीडियो से थोड़ा ना है। वीडियो तो आप अब 2-4 सालों से बनाने लगे हैं, इतनी सी थी जब आप मैंने तो खिलाई है, ठीक है। तो इस तरह अपना घर ना तोड़ प्लीज़, लोग तो भड़काने के हैं, तू ऐसा ना सोच, ठीक है। अब वीडियो में बता दियो तने नंबर ब्लॉक रखे या फ़ोन कर दे बहन, नंबर ब्लॉक मत ही काट दे। भाभी मेरी मम्मी ने कह दिया आ जाएगी, आ जाओ आंटी, प्रियंका की तबीयत खराब हो रही है, कोई नहीं नदौंदी जाती रही करे। सो गाइस अभी डॉक्टर साहब आ चुके हैं, प्रियंका का बुखार वगैरह चेक करेंगे, बीपी वगैरह चेक करेंगे, ठीक है भाई। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार, क्या हो गया? ठीक है प्रियंका, ठीक है भाई, ठीक हो गया, बस बुखार खूब सा हो गया। क्या हो गया? दिल टक सो के खांसी कुछ खांसी नहीं है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं। हां कब से? 2-3 दिन हो गए। सुबह भी आ गया था चक्कर। बुखार कितने दिन से है? 2-3 से। अभी फ्रेंड जो डॉक्टर दवाई दे के गया वो दवाई ले लेती हूँ मैं, कुछ तबीयत ठीक हो जाएगी, देखते हैं शायद कल तो आ ही जाएंगे वो। आप तो ये वीडियो देख के आ ही जाएंगे, तबीयत खराब है ना, तरस तो आ ही जाएगा, इतना तो बेटी हूँ मैं मेरी माँ की। बस पूजा को तो अकल लग गई है, मेरी माँ थोड़ा सा मान नहीं रही आने के लिए। मैंने दवाई कभी भी नहीं लेती थी, अब लेनी पड़ रही है। मैं लेने के लिए जा रही थी लेकिन मेरे मामा जी ने बात
करने नहीं दी मेरी मम्मी के साथ। मुझे लगा था कि मैं एक बार बात कर लूं और फिर लेने जाती हूं, लेकिन जो मेरे मामा है ना वो बात नहीं करने दे रहे मेरी मम्मी के साथ। वो बोल रहे हैं कि इधर मत आना लेने के लिए, हमारे पास ही रहेगी।